ओ हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लॉस्ट बॉय सोल। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ जहाँ से होगे जैसे होगे एकदम सेफ होंगे। मतलब मुझे दिखा नहीं यार, एक्चुअली अमीन बैठा था ना पीछे, तो सीट ऊंची होती है KTM की एज यू ऑल नो, तो अमीन को दिख गया ठीक है कि आगे जो है नाका लगा हुआ है। अब बाइक इतनी हैवी थी यार, मुझे वो पीछे मुड़ ही नहीं दी थी। अमीन वापस आया, उसने बाइक खींची, पीछे किया, मतलब तब तक पुलिस वाले भी आ गए। जैसी अमीन ने बाइक मुझे हेल्प की ना निकालने में, जैसी मैं वहां से निकला और अमीन को पुलिस वालों ने पकड़ लिया यार। बोलते बेटा कोई बात नहीं, आज हमारे इधर भी रह के देखो। फिर वो दो लड़के मिले, उन्होंने बोला कि यार ऐसा ऐसा पकड़ लिया उसको। अमीन ने मुझे वापस फिर कॉल की ना, उसने बोला कि यार हम यहाँ खड़े आगे, तो एक काम कर तू आ जा आगे, कुछ नहीं करेंगे ये पुलिस वाले। पहले मैं लगा जाने, फिर मुझे वो लड़के बोलते दूसरे के, भाई ऐसी गलती मत करना, अगर आप गए वो पकड़ लेंगे। एंड अल्लाह का शुक्र है कि बच गए, कोई ज्यादा मसला हुआ नहीं। तो आज हम एक खतरनाक सा शॉर्टकट मारने वाले। चाचा जी तो आगे 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 क्या कर रहे हो भैया? सड़क खाली, चलो 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 भैया, चलो चलो चलो, रुक जा रुक जा रुक जा। क्या बात है भाई, अब स्कूटी को ना यहाँ से नीचे उतारना है एज यू कैन सी, हल्का सा डिफिकल्ट जैसा है, बट कोई नहीं करते हैं कुछ। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होती है सुबह के टाइम पे, भाई क्या बताऊँ यार। तो यार लिफ्ट तो बड़े लोग मांग रहे, लेकिन हम लिफ्ट दे नहीं सकते बिकॉज एज यू ऑल नो के डबल हेलमेट का चलान हो जाता है भाई, तो लिफ्ट देना महंगा पड़ सकता है यार, डबल हेलमेट का चलान है। एंड अब हर वक्त हम भी थोड़ी ना डबल हेलमेट साथ लेके चल रहे होते, तो ये सीन है भाई। तो बाकी कोई टेंशन नहीं है ठीक है। तो फाइनली जैसे तैसे करके आपके भाई ने ना वहाँ से बाइक भगा ली ठीक है, भगा ली मतलब ऐसा कह सकते हो तुम के नाका मैंने तोड़ दिया। तो अभी फाइनली हम उसी नाके की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक्चुअली जगह कितनी सी थी यार, मैं कहाँ से निकलता। अच्छा इतनी सी जगह थी, इतनी बड़ी बाइक थी भाई, कहाँ से मोड़ता मैं मौके पर यार। बट फिर भी खुदा का शुक्र है कि हो गया जो कुछ होना था। तो यार लास्ट वाली वीडियो पे आपने बहुत सारा प्यार दिखाया यार, गाइस थैंक यू सो मच। बस इसी तरह से अपना सपोर्ट है ना उसको बनाए रखो ठीक है। इसीलिए देखो तुमने मुझे अच्छे व्यूज़ दिए ना, तो मैं भी अंदर से हुआ कि नहीं यार मुझे भी अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। इसीलिए मैंने क्या किया, रेगुलर वीडियोज अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ से जाना भैया हमें नीचे, तो हाथ दे दो बाहर, क्योंकि लोग इंडिकेटर से ज़्यादा हाथ पे भरोसा करते हैं। पहली जगह थी जहाँ पे मुझे वो भाई लोग मिले थे, एंड उन्होंने यार बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी। एक्चुअली जब मैं डर गया ना काफ़ी ज़्यादा, तब मेरा कैमरा भी डेड हो गया था जब मैं डर गया काफ़ी ज़्यादा, तो फिर वो उन्होंने ना मुझे यहाँ तक ले आए। एंड ये डिवाइडर से ना बाइक यहाँ पे पार करवाई पूरा, मतलब ऐसे गाड़ियाँ वाड़ियाँ रोक के। यार थैंक यू सो मच भैया यार, आपकी आपने बड़ी हेल्प की यार कल। फाइनली यार आज अपने कॉलेज जा रहा हूँ इतने टाइम के बाद, मतलब एग्ज़ाम देने के बाद जा रहा हूँ। एग्ज़ाम देने के बाद ना वो अलग ही वाइब होती है, क्योंकि दिमाग में टेंशन नहीं होती कि तुमने जाके अभी कुछ लिखना है वहाँ पर एक दो घंटा। आराम से जाएंगे, चिल करेंगे, आज देखेंगे क्या सीन रहने वाला कॉलेज का। एक सब्सक्राइब का बटन मिल रहा होगा नीचे यार, वो जाके सबसे पहले यार वो जाके सब्सक्राइब करो उसको ठीक है। और ऊपर एक लाइक का बटन मिल रहा होगा, उसको लाइक करो। एक शेयर का भी बटन मिल रहा होगा, उसको शेयर करो। ये यार मैं ना घर बैठ के एक चीज़ सोच रहा था कि अभी मतलब अभी तक जितने भी लोगों ने वीडियोज़ देखी है ठीक है, और जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो तुम क्या करो, मैं बोलूँगा ना 3, 2, 1 तुम एक साथ ना सब्सक्राइब करना, देखते हैं कि एक साथ सब्सक्राइबर्स कितने ज़्यादा बढ़ते हैं ठीक है। चलो 3, 2, 1 सब्सक्राइब। तो अभी देखते हैं कि सब्सक्राइबर कितने ज़्यादा बढ़ते हैं ये ट्रिक आजमाने से। अली गाइज इतने टाइम के बाद अपने साइंस कॉलेज में, और साइंस कॉलेज पूरा खाली खाली जैसा लग रहा है, बट अभी जब पार्किंग की तरफ नज़र पड़ी है ना, तब पता लग रहा है कि नहीं यार कुछ ना कुछ बंदे आए हुए, लेकिन पार्किंग वाली खाली पड़ी हुई है, टू व्हीलर्स वाली, फोर व्हीलर वाली पूरी भरी पड़ी है। ये मेरा एक दोस्त है छोटा सा, लेकिन इसकी शक्ल में मत जाना यार, शक्ल से मासूम दिखते हैं लेकिन काट देता है भाई। और मेरे पास मास्क नहीं है, छुपते छुपाते जाना पड़ेगा यहाँ से, तो स्कूटी लगाते कहीं धूप में ठीक है, क्योंकि अगर इसका इंजन ठंडा हो गया ना तो बाद में स्टार्ट होने में नखरे करेगी। हाँ, अब सांस में सांस और जान में जान आई है। तो ये रहे हमारे वसीम भाई। तो यार जिस काम के लिए मैं कॉलेज आया था, एक छोटा सा पर्सनल सा काम था, वो काम हो गया है, और जाम भी बहुत ज़्यादा लग गया है। तो ओ भाई ओ भाई ओ भाई सीन हो गया भैया, स्टैंड स्टैंड लगाना स्टैंड, एक मिनट को मुझे आगे करने दो।